गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम अपने पर्यावरण भूगोल का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे सामने आपको ये पेज दिखाई दे रहा होगा वीडियो के अंतर्गत। इस पेज के अंतर्गत कहानी से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें छुट्टियों के बाद, लंबी छुट्टियों के बाद, रवि नाम का एक बच्चा जब स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। खुदाई को देखकर उसका दिमाग ख़राब हुआ। वहीं पर एक मैदान उनके खेलने के लिए भी, ये जो मैदान था उनके खेलने के लिए वहां पर था, मतलब स्कूल के पास में स्थित था। तो वे बच्चे क्या करते थे, जब उनका लंच हो जाता था, इंटरवल हो जाता था, तो वो उस खेल के मैदान में खेला करते थे। वहाँ पर रहने वाले लोगों से जब उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास और गेंदे के फूल, तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में से आंसू छलकने लग गए। उसने यह बात अपने सहपाठियों को भी बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। जब प्रेयर टाइम था तो उस समय हमारे स्कूल के, हमारे स्कूल से मतलब रवि जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल के प्रिंसिपल ने भी वहाँ पर बताया था कि किस प्रकार से हमारा पर्यावरण बदल रहा है, क्योंकि उन्हें भी बहुत तकलीफ़ हुई थी उस अच्छे खासे गार्डन या मैदान में, मैदान को ख़राब किया जा रहा था और वहाँ पर बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा था जिसमें अनेक फ्लैटों का निर्माण होगा, बहुत सारे परिवार आकर जहाँ पर निवास करेंगे। लेकिन एक प्राकृतिक रूप से निर्मित मैदान जहाँ पर प्रतिदिन नियमित रूप से बच्चे खेलते थे, खेलकूद का उनका मैदान था, उस मैदान को फिनिश करके ये एक नई बिल्डिंग निर्मित की जा रही थी। तो उनके मुंह से उस तकलीफ़ के लिए किस तरह के शब्द प्रयोग हुए, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से भी पूछा, सर पर्यावरण क्या होता है, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। शिक्षक ने बताया, उनके जो जब उसने अपने टीचर से क्लास में गया तो उससे भी यही क्वेश्चन किया, सर ये पर्यावरण क्या होता है। तो टीचर्स ने, अध्यापक ने उसको क्या जवाब दिया क्लास में, कि आपको जो भी अपने आसपास दिखाई देता है वो सब आपका पर्यावरण होता है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी गई कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण तो प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़ और प्राणी। बच्चों ये लाइन नोट कर लेना, प्रकृति के द्वारा जो हमें प्रदान किए गए हैं उनके नाम क्या हैं, पर्वत, नदियाँ, पेड़ और प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है। देखो हमारे पास, हमारे चारों ओर जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है बेटा, वो या तो मानव के द्वारा निर्मित की गई है या प्रकृति के द्वारा निर्मित की गई है। प्रकृति ने तो हमें भूमि दी है, प्रकृति ने हमें पानी दिया है, प्रकृति ने हमें पहाड़ दिए हैं, मैदान दिए हैं, खड्डे दिए हैं, समुद्र दिया है, पेड़ दिए हैं, पौधे दिए हैं, वनस्पति दिए हैं, जीव जंतु दिए हैं, पक्षी और साथ में प्राणी जिसे हम मानव कहते हैं, ये भी प्रकृति के द्वारा ही प्रदान किया गया है। और जो मानव के द्वारा निर्मित की गई चीज़ें हैं उनमें सड़कें हैं, बांध हैं, पुल है, इमारतें हैं, ये कार है, कपड़े हैं और किताबें हैं, ये सब चीज़ें मानव के द्वारा निर्मित की गई हैं। तो टीचर ने उनको ये तो कहा कि ये तो सही है कि जो आपके चारों ओर पाया जाता है वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है, लेकिन पर्यावरण में सम्मिलित वस्तुओं को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होती हैं प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई वस्तुएं, जिनमें पर्वत, नदियां, पेड़ और प्राणी आते हैं,
जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची का निर्माण कीजिए। बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रकृति ने हमें क्या क्या चीज़ें प्रदान की हैं और मानव ने हमें क्या क्या चीज़ें प्रदान की हैं, आप भी इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में कीजिएगा। दो भागों में डिवाइड कर लेना अपनी कॉपी को, कॉपी के पेज को। एक पर लिखना प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुएं और दूसरे पर लिखना मानव निर्मित वस्तुओं के नाम, और फिर मेरे पास होमवर्क में सेंड कीजिएगा। रवि, परमजीत, जेपसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है सर? टीचर जो शिक्षक थे उन्होंने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण हो रहा है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हमारी ज़रूरतें, आज हमें रहने के लिए अच्छे मकान भी चाहिए, आज हमें अच्छी अच्छी सड़कें भी चाहिए, आज हमें हर बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, मतलब कितनी ही ऐसी फैसिलिटियां हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उपभोग करते हैं। जितनी ज़्यादा हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, उन सभी का कारण है कि हमें अपने पर्यावरण को चेंज करना पड़ रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक सामने पिक्चर भी बनी हुई है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। पिक्चर के अंदर बहुत ही घना बना बन सा दिखाई दे रहा है, या बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, और उसके नीचे लिखा है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। कैसे? यह हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि को प्रदान करता है। क्या सही है बात? सही है बेटा, ये पर्यावरण से ही तो हमें पानी मिलता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, और भोजन और खाने के रहने के लिए भूमि भी प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? जैसे कार का धुआं निकलता है, आपने देखा है, पॉल्यूशन बढ़ता है, वायु को प्रदूषित कर देता है, पानी का पात्र में एकत्रित किया जाता है, पानी को पात्र में, पात्र मतलब बर्तन में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है। मानव कार, मिल, कारखानों और बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर देता है। देखो, मानव के द्वारा ये जो प्रकृति से प्राप्त संसाधन है, इन संसाधनों का उपयोग अपनी सुविधाओं के लिए कर लिया जाता है। जैसे लोहे से बहुत सारी मशीनों का और यूज़ में आने वाली चीज़ों का निर्माण करके उसने लोहे के रूप में परिवर्तन कर दिया है। मिट्टी के बर्तन बन गए, मिट्टी की घड़े बन गए, कितनी सारी ऐसी चीज़ें बन गई जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो रूप परिवर्तन किया जाता है प्राकृतिक संसाधनों का मानव के द्वारा, उससे वह अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, और इससे पर्यावरण भी परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इसके बीचों बीच सेंटर में आप देखोगे तो आपको पर्यावरण के घटक शब्द लिखा हुआ दिखाई देगा। पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, या पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से भाग सम्मिलित किए जाते हैं? तीन भागों में देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। एक पर लिखा हुआ है प्राकृतिक, नीचे की साइड में देखोगे मानव, और तीसरा देखोगे आप मानव के द्वारा निर्मित। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम ये तीनों ही पर्यावरण के घटक होते हैं। हमारे आसपास प्राकृतिक संसाधन जो भी पाए जाते हैं, मानव जो पाया जाता है मानव के द्वारा, और जो मानव के द्वारा निर्मित है वो भी पर्यावरण के ही अंग या घटक कहलाते हैं। ये चार्ट आपको अपनी कॉपी में बनाने का प्रयास करना है। ठीक है बेटा, अब अपने इसको समझो, प्राकृतिक जो पर्यावरण के घटक है उसमें किन किन को सम्मिलित किया जाता है। आप देख रहे होंगे जल मंडल इसमें सम्मिलित होता है, जल के बाद वायुमंडल लिखा हुआ है, वायुमंडल के बाद आपके स्थल मंडल लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है सजीव मंडल।
सजीव जैव मंडल, प्राकृतिक अंतर्गत ये जो सजीव जैव मंडल लिखा हुआ है बेटा, इसके अंदर आपके नदी है, पेड़ घासें उग रही है किनारों पर और जंगल चारों तरफ फैला हुआ, उसमें जीव जंतु पक्षी वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। ये सारा का सारा जीव मंडल है। सबसे पहले वाले पर जहाँ पर जल मंडल दिखाई लिखा हुआ था, वहाँ पर समुद्र के किनारे या पानी के किनारे आपको खजूर के पेड़ उगे हुए दिखाई दे रहे। वायुमंडल, वायुमंडल में बादल दिखाई दे रहे हैं। स्थल मंडल पर आपको कहीं पर मैदान दिख रहा है, कहीं पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर बिल्डिंग्स, कहीं पर कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, और सजीव या जैव मंडल। अब हम चलते हैं अपने मानव पर। देखो बेटा, यहाँ पर मानव का दे रखा है, तो मानव के अंतर्गत आपके किस किस को सम्मिलित किया गया, यहीं से देख लें। बल मानव के अंतर्गत सबसे पहले एक व्यक्ति है, व्यक्ति के बाद उसका परिवार बन गया जिसमें 4 सदस्य हो गए, फिर समुदाय बन गया, समुदाय से मतलब बहुत सारे परिवार मिल गए, जहाँ परिवार मिल गया उसके बाद धर्म का निर्माण हो गया, धर्म के बाद फिर क्या दे रखा है यहाँ पर आपके शैक्षिक एजुकेशन, फिर उसके बाद क्या दे रखा है आपके आर्थिक कमाई के लिए जब बिल्डिंग्स वगैरह का निर्माण किया गया, और ये देश का निर्माण जिसमें राजनीतिक स्थिति या एक व्यक्ति से प्रारंभ हुआ मानव कहाँ तक पहुँच गया, देश तक या विश्व तक पहुँच जाता है। इसी प्रकार से मानव निर्मित जो भाग हैं उसमें हम किस किस को सम्मिलित करते हैं, ऊपर से ही हम स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले तो आपके इमारतें लिखी हुई है, इमारतें बिल्डिंग्स हैं, फिर पार्क दिखाई दे रहे हैं, फिर आपके पुल दिखाई दे रहे हैं, फिर आपकी सड़कें दिखाई दे रही हैं, सड़कों के नीचे स्मारक हैं और उद्योग हैं बेटा। ये सब के सब आपकी वो कार्य हैं, वो चीज़ें हैं, वस्तुएं जिन्हें मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। अब हम फिर से अपने चैप्टर पर चलते हैं। ये सारे सारे आपके पर्यावरण के घटक हैं, इसका चित्र नहीं भी बनाते हैं आप तो। पीछे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, मानव निर्मित और प्रकृति के द्वारा निर्मित कौन कौन सी वस्तुएं हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप इस वाले चार्ट को देखकर आसानी से लिख सकते हैं। नीचे हम फिर से आते हैं इस चित्र के, वहाँ लिखा हुआ है इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये हमारे पर्यावरण की डेफिनेशन है। सबसे पहले आपको पर्यावरण की परिभाषा लिखनी है बेटा। पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। यहाँ तक लिख लेना बेटा इसकी पर्यावरण की परिभाषा को। फिर उसके बाद वो वाला क्वेश्चन आपको करना है जिसमें प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुएं और मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं आपको लिखनी है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों स्थितियां सम्मिलित हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन है, जीवीय और अजीवीय वस्तुएं किसे कहते हैं? जिसमें जीवन पाया जाता है, जो जीवित होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जीवीय। और अजीवीय जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है या जो निर्जीव होती हैं। अब देखो यहाँ पर आपको उदाहरण से बताया, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे उदाहरण भी दे रखे हैं, पादप पेड़ पौधे जो होते हैं ना उनमें जीवन होता है, और जंतु पक्षी मानव ये सब क्या हैं? सजीव या जीवीय और अजीवीय। जीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार, निर्जीव मतलब जिनमें जीवन नहीं होता है, जैसे स्थल, है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर ऊपर की दो लाइनें दे रखी हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, इनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। बच्चों यहाँ पर कुछ आपके बॉक्स भी दे रखे हैं, पहले अपन उसका अध्ययन कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण का अध्ययन किया जाएगा। शब्द, ये जो पर्यावरण शब्द दे रखा है ना बेटा, ये पर्यावरण शब्द आपके, ये पर्यावरण शब्द जो आपके है इसकी उत्पत्ति, ये शब्द एनवायरनमेंट शब्द से आया है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण को, एनवायरनमेंट।
और एनवायरनमेंट शब्द की व्युत्पत्ति फ्रेंच शब्द के एनवायरोनेर या एनवायरोनेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ये लाइन नोट कर लेना। फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर से एनवायरनमेंट या पर्यावरण शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, इसका अर्थ क्या होता है पड़ोस। नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आपके कल हम बात करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू बेटा। अपना जो वर्क दिया गया है उसे कॉपी में ज़रूर कर ले। थैंक यू बेटा।